Hello everyone. Today the topic of discussion is Coop Sare questions on DFA and welcome to Kundra classes. So we are going to discuss bahut sare questions on DFA. To pehla DFA ka question jo main aapko padhane ja raha hu wo padhane ja raha hu ki construct karna hai hame DFA over input symbol AB ke upar such that string accepted jo string accept hogi must start with पहला ए फिर बी ए फिर ए बी बी ठीक है. तो पहला क्वेश्चन ए हमें वो डीएफए बनाना है जिसकी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो. ठीक है, ए से स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप लैंग्वेज बनाओ. लैंग्वेज वो स्ट्रिंग बनानी जो ए से स्टार्ट हो. तो सबसे पहला तो ए ही हो सकता है जो ए से स्टार्ट हो रहा है. एक ए बी हो सकता है, एक ए ए हो सकता है, एक ए बी ए हो सकता है, एक ट्रिपल ए हो सकता है, ऐसे करके जितने भी होंगे लेकिन सब में एक ही कंडीशन है. तो किससे स्टार्ट होंगे? ए से स्टार्ट होंगे. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज. अब इस लैंग्वेज में जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होता है उसका ही डीएफए बनाते हैं. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने क्यू नॉट बनाया, क्यू नॉट. ठीक है, इसको स्टार्ट किया और हमने ए दिया. ठीक है, और हम कहां पहुंच गए? क्यू वन पे पहुंच गए. तो यही मेरा हो गया फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट को आप डबल सर्कल से दिखाते हो, ये आपको पता ही है. ठीक है, तो क्यू नॉट पे हमने ए दिया, हम कहां पहुंच गए? फाइनल स्टेट पे. ये हो गया हमारा क्या? कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन एक स्ट्रक्चर बन गया. आप इसको कंप्लीट करना है. डीएफए इज अ कंप्लीट मशीन, मतलब हर स्टेट पे हर इनपुट को चेक करना है. कितने इनपुट है? ए और बी दोनों को चेक करना है. तो ए तो आ गया लेकिन अगर बी आ जाए तो क्या बी आ सकता है क्यू नॉट पे? नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन ही यही दी है कि जो मेरी स्ट्रिंग हो वो कहां से स्टार्ट हो? ए से स्टार्ट हो. तो अगर यहां बी आ जाएगा तो ऑब्वियस है वो ए से स्टार्ट नहीं हुआ. तो जैसे ही बी आएगा तो मुझे उसे मारना पड़ेगा. तो बी के लिए मैंने एक नई स्टेट बनानी क्यू टू और इसको हम बोलेंगे डेड स्टेट. क्या बोलेंगे? डेड स्टेट बोलेंगे. और इस डेड स्टेट में फिर कितना भी ए बी आए उसे मरना ही पड़ेगा क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो क्यू नॉट कंप्लीट हो गया, ए और बी दोनों आ गए. अब क्यू वन को देखो. Q1 मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग स्टार्ट हो A से. स्ट्रिंग स्टार्ट हो A से. अब हम Q1 पहुंच गए. अब स्टार्ट तो हो गया ना, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए चाहे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर मैं यहां पे A और B दोनों ही ले लूं लूप के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये हमारा DFA क्या बन गया? ये हमारा DFA बन गया कि स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A. ठीक है, और उसके बाद Q1 पे कितना भी ए बी आएगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग ही कंडीशन लेनी है. स्टार्ट में ए आ गया, बाद में कुछ भी आया उससे कोई मतलब नहीं. कितना ए आए बी आए कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग में आ. तो ये बन गया आपका डीएफए स्टार्टिंग विद ए. ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. इसको मैं मिटा लू, चलो मिटा देता हूं. ये अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी ए, बी ए से स्टार्ट हो. बी ए कंडीशन दी है बी ए. तो लैंग्वेज बनाओ. लैंग्वेज क्या हो सकती है? एक तो बी ए सबसे स्मॉलेस्ट तो बी ए हो सकता है, एक बी ए ए हो सकता है, एक बी ए बी हो सकता है, एक बी ए ए ए हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है. लेकिन कंडीशन ये कि स्टार्टिंग में सिर्फ बी ए ही आए. ठीक है, बी ए के अलावा कुछ भी ना है. तो चलो इसका डीएफए बना लेते हैं. इसका तो सबसे डीएफए किसका बनाते हैं? डीएफए बनाते हैं सबसे स्मॉलेस्ट का. सबसे स्मॉलेस्ट का बी ए है तो बी ए का डीएफए बना लेते हैं. चलो तो बी ए का डीएफए बनाते हैं. तो सबसे पहले क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है. हाँ, इनिशियल स्टेट है. फिर उसके बाद कहां पहुंचे? ए बी दिया तो क्यू वन पे पहुंचे. ठीक है, और क्यू वन पे हमने ए दिया तो हम कहां पहुंचे? क्यू टू पे पहुंचे. और ये मेरा फाइनल हो गया क्योंकि हमारा बी ए आ गया. जैसे ही बी ए आ गया उसको फाइनल कर लो. तो अभी हमारा एक काम तो हो गया कि हम फाइनल स्टेट तक पहुंच चुके हैं. क्या ये कंप्लीट है? नहीं, डीएफए इज अ कंप्लीट मशीन. हमें इसे कंप्लीट करना है, मतलब हर स्टेट पे हर इनपुट को चेक करना है. क्यू नॉट पे आओ, बी आ चुका है, क्या बचा? ए. स्टार्ट किससे होना है? बी ए से होना है. तो क्या ए आ सकता है? 100% नहीं आ सकता क्योंकि स्टार्ट होना ही बी ए से है. तो अगर ए आ गया तो उसे मरना ही पड़ेगा. तो ए आ गया तो उसे मरना ही पड़ेगा. तो हमने एक नई स्टेट बनानी क्यू थ्री, इसका नाम क्या है? डेड स्टेट. और यहां पे फिर कितना भी ए बी आ जाए उसे मरना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस है कि वो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी ए से ही स्टार्ट होगा. Q1 पे आओ. Q1 पे अब दोनों चेक करो. A तो ऑलरेडी आ चुका है, बचा है B. क्या B आ सकता है? क्या यहां पे हम B ऐसे ले सकते हैं? ठीक है, तो इससे स्टार्ट हो रहा है, B A से स्टार्ट होना चाहिए. तो अगर मैं देखूं, अगर यहां B आ जाए तो यहां पे कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी? B B A एक्सेप्ट हो रही है. देखो B आया, B B और A, तो यहां पे B B A भी एक्सेप्ट हो रही है जबकि B B A एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ B A से स्टार्ट होना चाहिए. तो अगर यहां पे B आता है तो मुझे यहां पे B यहां नहीं लेना पड़ेगा, इसको भी मारना पड़ेगा. तो अगर तुम B इधर आते हो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा क्योंकि मुझे पक्का पता है कि पहले दो कैरेक्टर B A ही होने चाहिए. तो अगर B आता है तो उसको मरना ही पड़ेगा. तो B यहां मर गया,
दो डेड स्टेट में आ गया। आओ Q2 पे आओ, BA एक बार ही आ चुका है ना, स्टार्टिंग है, एंड में कुछ भी आए, बाद में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहां पे गया और इसके बाद कितना भी AB आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्टार्टिंग में BA के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका किसका, स्टार्टिंग विद BA। चलो ये हो गया, अब चलो तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने मिटा रहा, ये 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 ये, और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ABB। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन है ABB। तो इसकी भी लैंग्वेज बना लो, तो लैंग्वेज क्या होगी, ABB होगी, ABBA हो सकती है, ABBB हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले जो तीन कैरेक्टर है वो ABB ही होने चाहिए। ठीक है, बना लो सबसे स्मॉलेस्ट का, सबसे पहला Q0 होगा इनिशियल स्टेट। ठीक है, फिर A आया, फिर Q1 आया, फिर B आया Q2 के पहुंचे, फिर B आया फिर Q3 पे पहुंचे। ठीक है, ये आपका हो गया ABB। ये तो आपका ABB बन गया, तो ABB तक का फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। क्या ये कंप्लीट है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के लिए क्या करना है, इसे DFA बनाने के लिए आपको हर स्टेट पे हर इनपुट को चेक करना है। Q0 पे A आ चुका है, क्या B आ सकता है? 100% नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बोला ही है कि पहले तीन करेक्टर तो ABB ही होने चाहिए। तो अगर Q0 पे B आता है तो उसे मरना ही पड़ेगा, तो अगर B आ रहा है तो उसे मरना ही पड़ेगा। तो एक स्टेट मैंने बना ली Q4, इसका नाम डेड स्टेट, और अब यहां पे कितना भी AB आ जाए इसे मरना ही पड़ेगा। चलो Q1 पे आओ, Q1 पे B आ चुका है, क्या बचा, A। तो यहां पे A आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अगर A आ गया तो AB हो जाएगा, तो नहीं, A को भी मरना पड़ेगा, तो A यहीं पे आएगा। क्लियर, चलो अब Q2 पे आओ, क्या यहां पे B आ चुका है, यहां पे A आ सकता है? यहां पे भी A नहीं आ सकता, क्योंकि तीसरा कैरेक्टर B ही होना चाहिए, तो B ही होगा। उसके बाद Q3 पे आओ, Q3 तो बहुत आसान है, कितना भी फिर AB आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्ट ABB से होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका DFA बन गया, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ABB। चलो अब आगे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो अब फिर से DFA बनाना है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया, कह रहा है कि आपको DFA बनाना है, लेकिन अब एंड हो रहा है BB से, AB से और BAB से। तो आप पहला क्वेश्चन उठाते हैं, BB से एंड हो रहा है, BB से एंड हो रहा है, तो लैंग्वेज बनाओ, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, BB ही हो सकता है, मतलब एक स्ट्रिंग ऐसी सिर्फ BB ही आ रहा है, तो BB हो सकता है, और क्या हो सकता है, ABB हो सकता है, देखो BB से एंड हो रहा है, एक BBB हो सकता है, तो BB से एंड हो सकता है, फिर AABB हो सकता है, BB से एंड हो रहा है, फिर ABBB से एंड हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो लेकिन खत्म किससे हो, BB से हो। तो आपको मेन टारगेट क्या है, खत्म आपका BB से होना चाहिए। तो आओ उसका DFA बना ले, मैंने फिर बताया था DFA सबसे स्मॉलेस्ट का बनाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट BB है। आओ Q0 स्टार्टिंग स्टेट, फिर क्या आया, B आया, Q1 पे पहुंचे, Q1 पे B आया, Q2 पे पहुंचे, Q2 पे पहुंचे, और ये हो गया आपका फाइनल। तो बस आप BB पहुंच गए, तो आप Q2 फाइनल तक पहुंच गए। चलो अब आपका क्या है कि आपको कंप्लीट करना है, क्यों, क्योंकि ये DFA कंप्लीट मशीन है, हर स्टेट पे हर इनपुट को चेक करना है। Q0 पे B आ चुका है, A आ जाए तो क्या करेंगे, तो A आ जाएगा, अब हमें डेड स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। अब A आए तो कितना भी A आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंड BB से होना है, आखिरी में BB आना चाहिए, पहले कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B ऑलरेडी आ चुका है, A बचा, तो A कितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 के पास आओ, Q1 पे B ऑलरेडी आ चुका है, अगर अब मान लो A आ जाए, तो अगर A आ जाए तो क्या A यहां पे रख ले, अगर हम A यहां पे रख लेंगे तो आपको पता है कि अगर मान लो मैं BAB अगर चेक करूंगा BAB तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, BAB तो खत्म किससे हो रहा है, AB से, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि खत्म BB से ही होना चाहिए, तो A यहां पे आ नहीं सकता, तो हमें खत्म तो BB से ही करना है। तो A जैसे यहां पे आए तो मैं कहूं भाई तू इधर चला जा, क्यों तू इधर चला जा, क्योंकि क्योंकि जैसे ही A आए तो ऑब्वियस है हमारा पैटर्न खराब हो रहा है, तो A जब यहां पे आ जाएगा तो फिर ऑब्वियस है खत्म किससे होगा, BB से ही होगा। ठीक है, चलो ये हो गया, तो Q1 भी कंप्लीट हो गया। अब Q2 के पास आओ, Q2 को मैं आपको समझाता हूं, BB Q2 तक पहुंचता का, BB तो पहुंच चुके, लेकिन Q2 पे भी A और B तो आ सकते हैं। Q2 पे चलो BB तक आप पहुंचे, Q2 तक पहुंच गए, लेकिन Q2 पे अगर A आ गया तो जैसे ही A आया आपका पूरा पैटर्न ही बदल गया, क्यों, क्योंकि आपको पूरा BB चाहिए था, आपको 2B चाहिए और पैटर्न सही करने के लिए, तो 2B कहां से मिलेंगे, तो ऑब्वियस 2B यहां से मिलेंगे ना, एक BA मिलेगा, एक BA मिलेगा, तो अगर A आ जाए तो आप इधर आ जाओ। चलो लेकिन सपोज करो
अगर बी आ जाए तो, अगर बी आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर बी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बी से ही तो एंड होगा। बी आ, देखो बी आ जाए, बी बी और कितना भी बी आ जाए, बार बार कितना भी बी आ जाए तो एंड तो बी से ही होगा, तो बी कितना भी आ जाए इधर आ जाएगा, लेकिन अगर ए आएगा तो ऑब्वियस उसे डबल बी चाहिए होगा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसका, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन था आपका एंड विथ बी बी से। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको या होप आपको समझ में आ गया होगा एंड वाला। अब आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, एबी वाला, एबी एबी से एंड हो तो लैंग्वेज बना लो। चलो लैंग्वेज बनाओ, इसकी लैंग्वेज क्या होगी बेटे, लैंग्वेज सबसे पहले एबी आएगा, स्मॉलेस्ट तो एबी आएगा, एंड हो रहा है एबी से तो ए बी भी हो सकता है, एंड एबी से ही हो रहा है, बी ए बी भी हो सकता है, एंड एबी से हो सकता है, बी बी ए बी भी हो सकता है, एंड एबी से हो रहा है, तो ऐसे करके कुछ भी पैटर्न बन सकता है। तो डीएफए बनाते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट का डीएफए बनाएंगे ए बी, क्यू नॉट क्यू नॉट, ए ए, क्यू वन क्यू वन, बी बी, क्यू टू, आप फाइनल में पहुंच गए, ये आपका ए बी आ चुका है, आप फाइनल में पहुंच गए। चलो ये आपका इनिशियल स्टेट था, तो ये तो हो गया बेटे। चलो यहां तक तो बात समझ में आती है, अब क्या करें, अब इसे कंप्लीट करें। डीएफए है हर स्टेट पे हर इनपुट, क्यू नॉट पे ए आ चुका है, बी बचा है, आपको पता है कि ए बी से एंड होना है, एंड होना है, तो शुरुआत में कितना भी बी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा स्टार्ट में, लेकिन एंड ए बी से होना है। चलो यहां तक पहुंच गए, क्यू वन के पास आओ, Q1 पे पहुंचे, Q1 पे पहुंचे तो B ऑलरेडी आपने यूज कर लिया, क्या बचा है A, तो आपका एंड AB से होना चाहिए, तो यहां पे फिर कितना भी A आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो AB से एंड हो ही रहा है ना, देखो AB से एंड हो रहा है A, फिर अगर A आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन A आने के बाद एंड तो B से ही हो, तो AB से ही एंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। अब Q2 के पास आओ, Q2 के पास, जैसे आप Q2 के पास पहुंचे तो आपकी सीरीज में AB आ चुका था, अब Q2 पे अगर A आ जाता है, तो Q2 पे अगर A आ जाता है तो आपका पैटर्न खराब हो गया, क्योंकि आपको AB से खत्म करना है, तो आपको एक B और चाहिए, तो अगर आपका A आता है तो आप इधर आ जाओ, ठीक है। लेकिन सपोज करो Q2 पे आपका B आ जाता है, B आ जाता है तो पैटर्न आपका खराब हो गया, अब आपको पूरा AB चाहिए, और पूरा AB आपको कहां से मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा, तो अगर आपका अगर आपका बी आ जाता है तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, और फिर आपको जाके ए बी मिलेगा, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी। आप देख लो, करके देख लो, क्या बी बी ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, चेक कर लो, बी हाँ बी, फिर ए हाँ ए, सॉरी बी हाँ बी, फिर बी फिर बी, फिर ए फिर ए फिर बी, आप फाइनल में पहुंच गए, बिल्कुल ठीक है, तो ए बी से एंड हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका बन गया, आपका क्या डीएफए बन गया किसका, ए बी का, एंड विद ए बी। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं इसको भी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमेशा चाहते हो कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए, तो हम लोग खा ले बस उसको, लड्डू तो बना हुआ है, बना हुआ लड्डू खा ले। चलो लेट्स स्टार्ट, बी ए बी लैंग्वेज बनाओ, एंड होना है बी ए बी, सबसे स्मॉलेस्ट बी ए बी हो सकता है, एक ए बी हो सकता है, एंड बी ए बी से हो रहा है, एक बी बी ए बी हो सकता है, एंड इससे हो रहा है, ऐसे करके कितना भी हो सकता है, इतना काम मैंने कर दिया है। अब अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं आपसे कहूंगा, चलो वीडियो दो मिनट और मैं स्टार्ट कर देता हूं इसको, तो बी ए बी बना लो, क्यू नॉट बी, क्यू वन ए, क्यू टू बी, Q3, ये आपका फाइनल हो गया, यहां पहुंच गए, तो एक आपने रॉ मटेरियल तो बना दिया, रॉ मशीन तो बना दी, अब इसको कंप्लीट करना है, BAB से एंड होना है, Q0 पे B आ चुका, क्या बचा A, तो A कितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि BAB से एंड होना है, स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 के पास आओ, Q1, Q1 पे A आ चुका है, क्या बचा B बचा, तो ऑब्वियस यहां पे B कितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि BAB अभी भी BAB आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q2 के पास आओ, Q2 पे B ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन A आ जाए तो, A आ जाए तो फिर किससे खत्म होगा, BAAB से खत्म होगा, जो कि होना नहीं चाहिए, आपको BAB ही चाहिए, तो अगर आपका A आता है इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको BAB लाने के लिए सोचना पड़ेगा कि अब हम कहां लेके जाए। देखो Q2, Q2 पे अगर मैं A यहां पे कर दूं, ठीक है, सपोज करो A बचा है ना, A यहां पे कर दो, तो A यहां पे कर दो, तो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, BA BAAB भी एक्सेप्ट हो जाएगी, जबकि आपको स्ट्रिंग कौन सी लास्ट में खत्म होनी चाहिए, BAB से खत्म होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आपका A आ रहा है, A कहां लेके जाऊं मैं, तो A अगर मैं मान लो सपोज करो यहां, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर A आप यहां पे लेके जाओ, ठीक है, तो क्या आया आपका, B आया, A आया, फिर A आया, फिर B आया, तो तब भी एक्सेप्ट हो रहा है कौन सा, BAAB, तब अगर आप A यहां ले जा रहे हो ना, तो देखो क्या, तभी मिस्टेक हो रही है, B A
तो ऑब्वियस एकदम ए नहीं आ रहा। हाँ तो अब आपका अगर मान लो ए बी आ जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्ट हो रहा है। बी ए ए फिर ए और बी यहां पहुंच रहा है तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि बी ए बी से खत्म होना, तो यहां पे ए नहीं आ सकता। तो सीधे ए अगर आता है तो यहीं पे आएगा, तब फिर आपका बी ए बी से खत्म होगा और क्यू थ्री के पास आओ। क्यू थ्री के आपको क्या चाहिए, क्यू थ्री तक आप बी ए बी पहुंच चुके, बी ए बी तक पहुंच चुके। देखो जैसे आप क्यू थ्री लिखोगे तो आप बी ए बी तक पहुंच चुके, लेकिन आप क्यू थ्री पे ए आ जाए, अब क्यू थ्री पे अगर ए आ गया तो आपको क्या चाहिए था, बी ए बी पूरा चाहिए था। ए के आने से पूरा पैटर्न ही बर्बाद हो गया, तो आपको बी ए बी पूरा चाहिए। तो जैसे ही ए आए तो आप पुराना वापस पूरा पैटर्न चाहिए अब आपको। लेकिन अगर बी आ जाए तो अब आपको क्या चाहिए, ए बी और चाहिए बस, क्योंकि बी ए एक टर्म तो मिल गया, दो टर्म तो ए बी और चाहिए। तो बी आ जाए तो क्या करो, अगर बी आ जाए तो ये यहां ले जाओ यहां पे, तो बी यहां से मिल जाएगा और ए बी यहां से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, बी ए बी से खत्म होने वाला पैटर्न। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑटोमेटा विद फ्यू स्ट्रिंग्स जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग सब स्ट्रिंग पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें और भी डीएफए में करेंगे। मैंने एक ही वीडियो में दो पैटर्न करा दिए, ताकि मैं नहीं चाहता मैं 10 वीडियो बनाऊ एक चीज के, ठीक है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।